मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। और आप जानते हैं, अभी थोड़े दिन से हमारे देश में एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। शंकराचार्य के मठ पर सरकार कब्जा करने जा रही है। कानकोटी कांचीपुरम शंकराचार्य जी के मठ पर सरकार कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुकी है और उसके लिए उनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं। 2000 पेज की चार्जशीट फाइल की गई है। मैं शंकराचार्य जी के मठ में पिछले 6 साल से जाता हूँ और उनकी सभी गतिविधियों में बहुत नज़दीक से शामिल हूँ। शंकराचार्य जी का जो मठ है कामकोटी कांचीपुरम, इस मठ को हर साल 5000 करोड़ रुपये डोनेशन आता है, 5000 करोड़ रुपये डोनेशन आता है। शंकराचार्य जी को एक बार मैंने पूछा, ये डोनेशन का मैक्सिमम इस्तेमाल कहाँ होता है? तो उन्होंने कहा, सबसे ज़्यादा मैं इसका पैसे का खर्चा करता हूँ उन गाँव में जहाँ पर गरीब हिंदू ईसाई बन गए। तो वो क्या कर रहे हैं शंकराचार्य जी? दक्षिण भारत के गाँव में जो ईसाई बने हुए हिंदू हैं उनको वापस हिंदू बना रहे हैं, उसमें उनका सारा पैसा खर्च होता है। 5000 करोड़ हर साल वो खर्च करते हैं। मैंने एक दिन कहा शंकराचार्य जी को, ये तो बहुत बड़ी रकम है जो आप खर्च कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी ने कहा, तुमको मालूम है ईसाई बनाने के लिए 18000 करोड़ खर्च हो रहा है, मैं तो उसका एक तिहाई भी नहीं कर रहा। तो वो करते क्या है, गरीब आदिवासी विद्यार्थियों के लिए निशुल्क स्कूल चलाते और उन स्कूलों में भर्ती होने पर फिर हिंदू बनाते हैं, उनके लिए स्कूल के सब खर्चे करते हैं, किताब कॉपी पेंसिल खाना कपड़े सब देते हैं, फीस भी वही भरते हैं, रहने का हॉस्टल का खर्चा भी शंकराचार्य जी का मठ करता है। और ऐसे 170 से ज़्यादा स्कूल उनके चलते हैं तमिलनाडु केरल कर्नाटक आंध्र में, और धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद हॉस्पिटल चलते हैं, उन हॉस्पिटल में निशुल्क चिकित्सा की जाती है ऐसे लोगों की जो गरीब हिंदू थे आदिवासी हो गए हैं वापस हिंदू बनने को तैयार हैं, उनकी वो निशुल्क चिकित्सा कराते हैं। इस सब में खर्चा होता है, सरकार चाहती है वो सब बंद हो, क्योंकि जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं, क्योंकि शंकराचार्य उनके सामने खड़े हैं, अब आर पार की लड़ाई हो रही है। तो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन का असर जैसे ही बढ़ा, मैंने सोनिया गांधी जिस दिन इस देश की सुपर प्राइम मिनिस्टर बनी उसी दिन से ये षड्यंत्र शुरू हुआ। इसके लिए तरह तरह से कोशिशें चल रही हैं। एक तो सीधे उनके ऊपर चार्ज लगाओ, उनको जेल में डालो, चार्ज प्रूफ नहीं हुआ फिर भी जेल में डालो, और जिनके ऊपर चार्ज प्रूफ हो गए हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना के बिठा लो। शिबू सोरेन, 78 मर्डर किए हैं शिबू सोरेन ने, जिंदा जला दिया 78 मुसलमानों को, शिबू सोरेन ने जिंदा जला दिया झारखंड में, सबूत है, अपराध सिद्ध हुआ है, चार्ज प्रूफ हुए हैं, लेकिन आज तक वो छूटा हुआ है क्योंकि सरकार में मंत्री बन के बैठे। और अगर सरकार उसको अरेस्ट करे तो केंद्र की सरकार गिरे, तो शिबू सोरेन को मंत्री बनाओ उसको सुरक्षा दो, और शंकराचार्य जिनका अपराध अभी हुआ उनको जेल में भेजो और पूरे देश में बदनामी कराओ, टीवी चैनलों को पैसा दे दे के खबर छपवाओ, और टीवी चैनल जो अमेरिका से संचालित हैं जैसे स्टार न्यूज पूरी तरह से अमेरिकन टीवी चैनल, 3 महीने उसने शंकराचार्य के खिलाफ विश्व भ्रमण किया, सत्य उसके विपरीत है। शंकराचार्य के ऊपर एक भी आरोप सिद्ध नहीं होगा जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया है कि तमिलनाडु में कोई निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए सारे मामले कर्नाटक में ट्रांसफर किए जाएं। उसी दिन जयललिता परेशान हो गई क्योंकि उसे मालूम है दूसरी किसी अदालत में सिद्ध नहीं होगा। एक दिन सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य जी का बेल एप्लीकेशन गया, उसी दिन स्वीकार हो गया, और हाईकोर्ट ने बेल एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया क्योंकि हाईकोर्ट जयललिता के कंट्रोल में है, जयललिता सोनिया गांधी के कंट्रोल में है, सोनिया गांधी चर्च के कंट्रोल में। और आप याद रखिए इस बात को, कभी भूलिए मत, अभी थोड़े दिन पहले पोप मर गया, पोप जॉन पॉल, हमारे देश में 3 दिन का राष्ट्रीय अवकाश हो गया, पोप मर गया, ठीक है मर गया तो क्या करें उसका, हमसे क्या लेना देना उसका।
वेटिकन सिटी 3 दिन का करे या 30 दिन का, हमें उससे क्या लेना देना? अमेरिका करे, यूरोप करे, क्या हिंदुस्तान में 3 दिन का राष्ट्रीय अवकाश? पोप मर गया जैसे हमारा कोई बहुत बड़ा धर्मगुरु मर गया, सुनील दत्त मरा तो 1 दिन का राष्ट्रीय अवकाश, पोप मर गया तो 3 दिन का राष्ट्रीय। और भारत का कोई भी बड़ा धर्मगुरु मरे तो किसी भी दिन का अवकाश नहीं। और उससे भी ज्यादा खराब बात है, पोप जो मर गया ना, हमारे देश में देखिए क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं। पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि दिया, आपको मालूम आधार क्या है? आधार यह है कि मदर टेरेसा ने एक बार किसी महिला के शरीर पर हाथ रखा और उस महिला का गर्भाशय का कैंसर ठीक हो गया। मदर टेरेसा में चमत्कारिक शक्ति है, इसलिए वो संत होने के लायक है। ठीक है, अभी ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है कि उन्होंने किसी के कंधे पे हाथ रखा और उसका गर्भाशय का कैंसर ठीक हो गया, इसलिए मदर टेरेसा संत होने के लायक है। ये 100% सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, लेकिन भारत सरकार ने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया। ठीक है, अब भारत के कोई साधु संत अगर इस तरह का काम करे तो वो जेल के अंदर, क्योंकि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं आपके देश में, कोई क्रिश्चियन करे तो साइंटिफिक है, हिंदू करे वही काम को तो अनसाइंटिफिक हो गया। और महाराष्ट्र में एक संस्था बनाई गई है, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, वो यही धंधे में लगी रहती है। क्रिश्चियन लोग कुछ भी करें उसको दिखाई नहीं देता, मुसलमान कुछ भी करे दिखाई नहीं देता, हिंदू कुछ भी करे उसके पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो उसमें काम करते हैं, मेरा उनका यही झगड़ा रहता है कि तुमको अंधश्रद्धा हिंदुओं में दिखाई देती है, ईसाइयों में नहीं दिखाई देती। मदर टेरेसा से ज्यादा अंधविश्वासी कौन होगा जो किसी के हाथ रख दे कंधे पर और कैंसर ठीक कर दे? अगर ऐसा होने लगे तो मदर टेरेसा ने पोप जॉन पॉल पे हाथ क्यों नहीं रखा? उनको तो पार्किंसन डिसीज था 20 साल से, पोप जॉन पॉल को तो पार्किंसन था ना 20 साल से, मदर टेरेसा ने क्यों नहीं हाथ रख दिया? पोप जॉन पॉल क्यों नहीं ठीक हो गए? दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।